नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम YouTube लेसन के मार्फत सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम अभी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। पिछले लेसन में हमने प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था और बेंथम हुकर के वर्गीकरण के साथ पार्ट और पीरियड थर्ड एरा जो है वो कंप्लीट होता है। इसके पश्चात जैव विकास की संकल्पना के बाद अर्थात डार्विन का विकासवाद आने के पश्चात सबसे पहले आइकलर ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसका अध्ययन भी हम पिछले लेसन में कर चुके हैं, जो कि पोस्ट डार्विनियन वर्गीकरण पद्धतियां का आरंभ बिंदु है। इस पीरियड फोर्थ में बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना वर्गीकरण के क्षेत्र में सहयोग दिया। उसी क्रम में हम आइकलर की पद्धति के पश्चात एंगलर पेंट्रल पद्धति का अध्ययन करेंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि आइकलर की जो पद्धति थी उसको एंगलर ने अपने एंगलर पेंट्रल पद्धति में बखूबी यूज किया और अपनी पद्धति का आधार बनाया। एंगलर और कार्ल पेंटल दो इंग्लिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने जैव विकास के सिद्धांत के आधार पर जो डार्विन ने दिया था उसके आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण 1892 में आइकलर के वर्गीकरण को आधार मानकर और उसका विस्तारित रूप अपनी पुस्तक सेलेबस डर वर्ली संगन में प्रकाशित करवाया था। उसके पश्चात एक मोनोग्राफिक वर्क जो कि 23 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, इस पुस्तक का नाम था डाई नेचुरल लाइकेन प्लांटजन फेमेलिन। इस पुस्तक में जो 23 वॉल्यूम है उसमें एल्गी से लेकर के फेनोरोगेम्स तक प्रत्येक पादप का उसकी कुंजी सहित अध्ययन प्रस्तुत किया है। ये जातिवर्त वर्गीकरण की श्रेणी में सबसे मान्य वर्गीकरण माना गया था, जो कि कुछ बिंदुओं पर आधारित था। इसका अध्ययन अपन अभी देखेंगे। ये पद्धति आइकलर की पद्धति पर आधारित थी, इसलिए दोनों में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। यूरोप में बेंथम हुकर की पद्धति को इन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया था। हालांकि यहाँ पर यह बताना बहुत आवश्यक है कि बेंथम हुकर की वर्गीकरण की पद्धति का प्रायोगिक दृष्टि से बहुत महत्व है, इसलिए इंग्लैंड और भारत में जो हर्बेरियम व्यवस्थित होते हैं वो उसी पद्धति पर आधारित होते हैं। इसमें विभिन्न समूहों की जातिवर्त और पुष्पों की उत्तरोत्तर जटिलता पर प्रकाश डालते हुए ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। एंगलर और पेंटल ने संपूर्ण पादप जगत को 13 डिवीज़न में विभक्त किया और 13वां जो डिवीज़न था उसका नाम उन्होंने रखा एम्ब्रियोफाइटा साइफनोगेमा, अर्थात सीड बियरिंग प्लांट्स मीन्स स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को उन्होंने दो सब डिवीज़न में विभक्त किया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को पुनः उन्होंने दो क्लास में विभक्त किया, मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी। एंगलर पेंटल ने अपना जातिवर्त वर्गीकरण कुछ बिंदुओं पर आधारित दिया था, जैसा कि पूर्व में अपन ने चर्चा की थी। ये बिंदु क्या हैं? एंगलर पेंटल के वर्गीकरण को समझने के लिए इन बिंदुओं को समझना अति आवश्यक है। देखें क्या बिंदु थे।
नंबर एक, सबसे आद्य पुष्पों में परिदल यानी पेरियंत अनुपस्थित, उनसे विकसित पुष्पों में परिदल एक चक्र में तथा सबसे अधिक विकसित पुष्पों में ये दो चक्र में उपस्थित हैं। नंबर दो, पुष्पों में पृथक दलीयता पॉलीपेटेली प्रिमिटिव आद्य प्रकार का लक्षण है एवं संयुक्त दलीयता गैमोपेटली प्रगत एडवांस लक्षण है। नंबर तीन, वायु परागण एनिमोफिली आद्य प्रकार का लक्षण है और कीट परागण एंटोमोफिली प्रगत या एडवांस लक्षण माना गया है अकॉर्डिंग टू एंग्लर एंड पेंटर। ऊर्ध्ववर्ती अंडा से अर्थात सुपीरियर ओवरी आद्य प्रकार का लक्षण है एवं इन्फीरियर ओवरी प्रगत प्रकार का लक्षण है। इसी तरह एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिमिटिव आद्य प्रकार का लक्षण है और द्विलिंगी पुष्प प्रगत लक्षण है। बाह्य दलाभि परिदल सेपेलोइड पेरियंत आद्य प्रिमिटिव प्रकार का लक्षण है, बाह्य दलाभ परिदल अर्थात पेटेलोइड पेरियंत एडवांस लक्षण है। एक बीजपत्री पादप प्रिमिटिव है एवं द्वि बीजपत्री पादप डाइकोटिलीडंस है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि एक लिंगी पुष्प और एक बीजपत्री पादप, यहाँ एंगलर और पेंटल का एक डीमेरिट कहा जा सकता है। एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडंस आर प्रिमिटिव देन द डाइकोटिलीडंस विच इज एडवांस। असंख्य पुंके सर्व अंडपों की उपस्थिति अर्थात इनडेफिनेट स्टेमन एंड कार्पल्स आद्य प्रिमिटिव लक्षण है, जबकि निश्चित पुंकेसर व अंडपों की उपस्थिति प्रगत प्रकार का लक्षण है। यदि हम शॉर्ट में देखें तो एंगलर और पेंटल का वर्गीकरण जो कि डी नेचुरलाइकेन प्लैंजन फेमेलिन में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि पूर्व में देखा, ये मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडनी दो क्लास में विभक्त किया था। डाइकोटिलीडनी को दो सब क्लास में विभक्त किया गया, आर्किक्लेमाइडी अर्थात लोअर डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास मेटाक्लाइमेडी या सिम्पेटेली मीन्स हायर कोटिलीडन्स। उसके पश्चात ऑर्डर्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्डर्स फेमेली जेंद्रा एंड फाइनली इनटू द स्पीसीज, यानी गण गण को उपगण कुल वंश और अंत में उन्होंने उनको जातियों में विभक्त किया। एंगलर एंड पेंटल क्लासिफिकेशन वहद क्लासिफिकेशन था। अपने सिस्टम में उन्होंने पादप जगत को 309 फैमिलीज में विभक्त किया। क्लास मोनोकोटिलीडन्स को उन्होंने टाइफिएसी से आरंभ किया और ऑर्किडेसी में उसको संपन्न किया। क्लास डाइकोटिलीडनी को उन्होंने केजुराइनेसी से आरंभ किया और कंपोजिटी पर जाकर के उन्होंने उसको संपन्न किया। इससे पूर्व आइक्लर और बैंथम हुकर का वर्गीकरण आ चुका था। यदि हम यहाँ पर बैंथम हुकर के वर्गीकरण सिस्टम को एंगलर पेंटल के वर्गीकरण सिस्टम से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि सब क्लास आर्किक्लेमाइडी पूर्ण रूप से आर्बिट्रेरी थी, जो कि बैंथम हुकर के पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी के समकक्ष है। फैमिलीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की गई थी अर्थात इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर्स के तहत फैमिलीज को रखा गया था। मोनोकोटिलीडन्स आर प्लेस्ड बिफोर डाइकोटिलीडन्स, मोनोकोट्स को डाइकोट से पहले ईपी वर्गीकरण में रखा जाता है। द टर्म सीरीज और कोहर्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑर्डर, पूर्व में जो सीरीज श्रेणी या कोहर्ट यूज किया जाता था उसको ऑर्डर में परिवर्तित कर दिया गया। यदि हम ईपी वर्गीकरण एंगलर
पेरेंटल वर्गीकरण की मेरिट्स देखें तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि ये एक 100 उदाहरण जातिवर्त व्यवस्था का वर्गीकरण है, जिसमें कि सभी ग्रुप्स को जातिवर्त आधार पर अरेंज किया गया था। आर्किक लेमाइडी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि बेंथम हुकर के वर्गीकरण में बहुत सारी मोनोक्लेमाइडी की फैमिली जो है वो पॉलीपेटलियन फैमिलीज थी, इसलिए इसको इन्होंने मिला दिया तो यहाँ ये जस्टिफाई होता है। ऑर्किडेसी की स्थिति मोनोकोटिलीडेंस में और कंपोजिट की स्थिति डाइकोटिलीडेंस में संतोषप्रद है, जस्टिफाइड है, ये अभी भी इवॉल्व फैमिलीज के अंतर्गत ही मानी जाती है। यदि हम एंग्लर एंड पेंटल वर्गीकरण की डीमेरिट्स देखें तो पूर्व में जैसा मैंने आपको बताया यूनिसेक्सुअल फ्लावर को उन्होंने प्रिमिटिव माना डाइकोटिलीडन से, इसी के तहत उन्होंने मोनोकोटिलीडन्स को डाइकोटिलीडन से पूर्व अरेंज किया, ये बहुत तर्कसंगत नहीं है। सिम्पेटिलियन मेंबर्स जो कि मेटाक्लाइमाइडी में रखे गए थे वह ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है। प्लेस ऑफ अमेंटिफेरी और सेंट्रोस्पर्मी जो कि डाइकोटिलीडन्स के पूर्व में रखी गई रेनेल्स के स्थान पर, ये भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस तरह हम देखते हैं कि एंग्लर एंड पेंटल का वर्गीकरण 6 मुख्य बिंदुओं पर आधारित था तथा ये फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण माना गया है, लेकिन मेरिट्स के साथ साथ इसकी जो दोष हैं डीमेरिट्स हैं वह उचित नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि जब जातिवर्त वर्गीकरण हम देते हैं तब हम मोनोकोट्स को डाइकोट से पूर्व रखना बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं लगता। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बाइसेक्सुअल से प्रिमिटिव मानना तर्कसंगत नहीं लगता। धन्यवाद।